अभी हमने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं उसमें बहुजन समाज को प्रेरणा देने के लिए ये होर्डिंग लगाए हुए हैं। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर प्रवेश हम करेंगे तो देखने में लगेगा कि जो यहाँ अंदर हम जब प्रवेश करें बहुत ही अच्छे सुंदर यहाँ पर जो स्टेचू लगा रखे हैं, और मैं जब हम अंदर घुसेंगे तो हम पहले हम यही देखेंगे कि जो सुंदरता है, और ये मैं दिखाने जा रहा हूँ जो पत्थर है, इस पत्थर के अंदर से हम साफ देख सकते हैं कि हमारी शक्ल भी अच्छी दिखाई दे रही है। पत्थर बहुत सुंदर लगा हुआ है। आए जब हम गेट के अंदर जब घुसे तो पत्थर देखा बहुत सुंदर है, और हम जब इधर सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक शीशे के अंदर जो जड़ित बहन कुमारी मायावती जी की फ़ोटो है, उसके नीचे आते हैं हम तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, माननीय कांशीराम जी। अब हम थोड़ा नीचे उतर के आते हैं तो जो तीन फोटो दिखा रखे हैं उसमें एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी की माता जी हैं, दूसरी तरफ उनके पिताजी हैं, और इस स्टेचू पे जो लिखा है कि लखनऊ स्थापित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में अपने माता पिता के साथ में। इस श्रृंगालय के अंदर आपने देखा बहुत अच्छी अच्छी स्टेचू लगी हुई हैं। अब हम लास्ट के अंदर जब आते हैं तो यहाँ कुछ कपड़े हैं, और जो कपड़े सबसे ऊपर में रोम के अंदर जो दिखा रहा हूँ हैंगर के अंदर टंगा हुआ, वो एक कोट है, एक तरफ शर्ट है, फिर दूसरी रो के अंदर कोट पैंट और शर्ट है, और फिर मैं लास्ट रो के अंदर आता हूँ तो इसके अंदर पैंट शर्ट और दूसरी पैंट है। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ दो पेन और ये घड़ी, चश्मा और ये बेल्ट, और ये दूसरा चश्मा है, और ये तीसरा चौथा चश्मा है, और ये घड़ी टाइटन की घड़ी है। ये उस महापुरुष के कपड़े हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। वो महापुरुष थे माननीय कांशीराम साहब। सारी जो स्टैचू देखी है आपने, फोटो देखी, ये प्रेरणा स्थल के अंदर और ये समाज को प्रेरणा देने के लिए ही श्रृंगालय बनाया हुआ है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का विकास नहीं होता, इतिहास का होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये मैं ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ शीशे के अंदर जड़ित जो ये है बहुत पुराने समय का फ्लिप्स, ये टीवी है जिसको माननीय श्री कांशीराम जी बीमारी के दौरान इस टीवी को देखते थे। ये इतना पुराना टीवी, और माननीय कांशीराम साहब इसमें न्यूज़ देखते थे, और ये बीमारी के समय भी वो माननीय कांशीराम साहब समाज की देख रेख में लगे रहते थे। ये बिल्कुल ही गेट के कोने में लगा हुआ है। अब हम इस संग्रहालय से हम बाहर चलते हैं, और जो इस सुंदर जो फोटो लगा रखी है बहुत ही प्रसन्न अवस्था के अंदर है। सबसे कोने पर माननीय कांशीराम साहब हंसते हुए, फिर नीचे पार्लियामेंट के फोटो दिखाया है, उस पर राष्ट्रीय फ्लैग दिखाया है, और जब हम फोटो देखेंगे बहन कुमारी मायावती जी का जो वस्त्र है, बहन कुमारी मायावती जी एक रानी के रूप में यहाँ दिखाई दे रही हैं सुंदर अवस्था के अंदर, और साथ में जो शेर है और एक तरफ गुलदस्ता है, बहन जी बहुत खुश नजर आ रही हैं। यहाँ पर समाज ने इनको एक रानी बनाया, और समाज आज भी बहन कुमारी मायावती पर अपनी जान नौछावर करने के लिए तैयार है। अब हम ऐसे कार्यालय के अंदर चलेंगे, ऐसे प्रेरणा स्थल के अंदर चलेंगे जो बहुत ही सुंदर प्रेरणा स्थल बना रखा है, और इस पर लिखा है बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र। जब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय हम देखेंगे कि जो यहाँ इसमें जो पत्थर लगा रखा है बहुत ही सुंदर पत्थर लगा रखा है, और गेट एक नहीं ये जाली वाला गेट है, और एक बहुत बड़ा ये लकड़ काठ का गेट है। अब हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तो इस पर हम राइट साइड में देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर लिखा है बहुजन प्रेरणा केंद्र, बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र, 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली, और इस पे पूरा जो लिखा हुआ है। और आगे हम जब इधर की तरफ चलेंगे, हम यहाँ बहन कुमारी मायावती जी श्रद्धागे फूल अर्पित करते हुए, और ये जो रो दिखाई जा रही है 1, 2, 3, 4 और ये 5, और 5-4 हाथियों के रो दिखा रखे हैं। ये प्रेरणा केंद्र का ही एक पूरा प्रेरणा केंद्र दिखाया गया है, और नीचे लिखा है बीएसपी के
की राष्ट्र अध्यक्ष सुश्री मायावती मानव श्री कांसीराम जी की मूर्ति पर फूल अर्पित करते हुए बहन कुमारी मायावती जी मानव कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रही हैं। पूरा जो बोर्ड देख रहे हैं बहुत सुंदर बोर्ड है और इसमें कलाकार ने जो अपनी कलाकृति दिखाई है बहुत सुंदर है। सबसे पहले मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ ये छत्रपति साहू जी महाराज जी का ये फोटो है और इस पे लिखा है जन्म 26 जुलाई 1874 और मृत्यु हुई थी इनकी 6 मई 1922 के अंदर। दूसरा जो मैं स्टेचू दिखा रहा हूँ ये स्टेचू है महात्मा ज्योतिराव फूले का। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ, मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई। दूसरा जो मैं बहन कुमारी मायावती जी का स्टेचू है उस पर लिखा है बहन कुमारी मायावती जी जन्म 15 जनवरी 1956 को। और जो विशाल आप फोटो देख रहे हैं बड़ा फोटो देख रहे हैं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो है। इनके हाथ में संविधान की किताब है, ऊपर लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1851 को, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। और बराबर में जो स्टेचू है वो है मानव श्री कांसीराम साहब का, जन्म 15 मार्च 1934, मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को हुई थी। और बराबर में जो स्टेचू है ये पेरियार रामास्वामी जी का है, जन्म 17 सितंबर 1879 यानी 1879, मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को हुई। और जो दूसरा मैं फोटो दिखा रहा हूँ ये है नारायणा गुरु जी का, जन्म 26 अगस्त 1855, मृत्यु 20 सितंबर 1928 को हुई। इस प्रकार से ये बहुजन समाज के 7 महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानी दी थी। विशाल मूर्तियाँ देख रहे हैं, एक तरफ मानवर कांसीराम साहब का विशाल मूर्ति जिसमें माला पहन के, दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तीसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रेरणा स्थल इस संग्रहालय के अंदर जो आप ये आपने जो फोटो देखी बहुत विशाल फोटो देखी, इन सभी ने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी। मानवर कांसीराम साहब बीच में है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया और उनका संघर्ष ही संदेश है। और उन्होंने परिवार को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, और आज जो प्रेरणा स्थल ही जो बनाया बहन कुमारी मायावती जी ने वो इन्हीं के जो प्रेरणा है इन्हीं लोगों से, इन्हीं महापुरुषों से यहाँ प्रेरणा मिलेगी। अब तो पूरा बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र का पूरा भ्रमण कराया।